अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माहिनूर प्राइम किचन। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी फ्रूट का मीठा। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रूट्स अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, ये हैवल की फ्रेश क्रीम, मिल्क मेड और ये रोज़ एसेंस। आप एसेंस कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने रोज़ एसेंस यूज़ किया है। ये 5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध मिक्स कर इस तरह से हम पतला पेस्ट बनाकर रेडी रख लेंगे। फिर यहाँ पे 1.5 लीटर दूध मैंने गर्म कर लिया है। दूध को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि दूध अच्छे से गाढ़ा हो जाए। अब इसे हम ऐड करेंगे 250 ग्राम शक्कर, यानी कि 1/4 किलो शक्कर। इसे अच्छे से डालकर मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से मिक्स करते हुए इसमें हमें कस्टर्ड का जो पेस्ट रेडी किया था उसमें इस तरह से मिक्स करना है। और इसी तरह से कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए हमें 5 मिनट तक पकाना है ताकि इसमें नीचे से लगे ना और इसके लम्ब्स ना बने। ये देखिए कस्टर्ड हमारा रेडी है। चलिए इसे बॉल में निकालकर इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे, ये है 200 ग्राम टिन मिल्क मेड, ये है 200 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम। अब इसे हम डालेंगे 1 टीस्पून रोज़ एसेंस। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रूट्स आप अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ किया है यहाँ पे ग्रीन ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स, अनार, ये है चीकू यानी सपोटा, एप्पल और बनाना। इसे डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करेंगे, ये है काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। इसे भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए इसे अब ये देखिए कस्टर्ड बड़ा ठंडा हो चुका है। इसे सब करते हुए मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।